फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, जर्मनी ने पेश की मिसाल, पहली बार दिल जीत लिया, तोड़ डाले सारे प्रोटोकॉल। चलो देखते, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा शुरू हो चुका है, और जिस तरह का माहौल और तस्वीरें जर्मनी से सामने आ रही है वो कमाल की है। एक ग्रैंड वेलकम जर्मनी की तरफ से पीएम मोदी का किया गया है। वहीं पर जर्मनी के चांसलर ने पहली बार पीएम मोदी के लिए कुछ बोला है। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, इस तरह का वेलकम तो पीएम मोदी का पहले भी हो चुका है, तो इसमें नया क्या है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी का यह दौरा भारत के लिहाज से बेहद ज्यादा खास है, और इस ग्रैंड वेलकम का महत्व दो कारणों से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पहला, रूस यूक्रेन का युद्ध, जिसमें भारत तटस्थ रहते हुए भी रूस के पक्ष में है। वहीं पर दूसरा, जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं, जिनसे पहली बार पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। वहीं पर इस दौरे को लेकर साथ ही फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्डिक समिट से रिलेटेड काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफी कुछ नया आपको जानने और सीखने को मिलने वाला है वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। इसके साथ ही पीएम मोदी को ओलेफ ने क्या कहा, उनका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, और वो जर्मनी पहुंच गए हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलेफ ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत और जर्मनी के बीच रूस की उन कार्रवाइयों को लेकर व्यापक समझौता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हालांकि जर्मनी ने पहले ही ये साफ कर दिया कि ये भारत और जर्मनी का द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा दौरा है, इसीलिए भारत को रूस के मैटर में बोलने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ने ईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने को भी उन्होंने अहम कदम बताया, और ये जर्मनी के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जर्मनी का महत्व यूरोपियन यूनियन में समझना जरूरी है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 3 पावरफुल देश जर्मनी, फ्रांस और यूके हैं, जिसमें जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं पर जर्मनी भारत को लेकर अब काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, जब से ओलेफ सत्ता में आए हैं, क्योंकि ओलेफ ने जो इलेक्शन जर्मनी में लड़ा था वो एंटी चाइना मुद्दे पर लड़ा था, और कहा था कि मैं चाइना के अगेंस्ट हूँ। वहीं पर सत्ता पाते ही उन्होंने जर्मनी से चाइनीज कंपनी को निकालना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए जर्मनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। जर्मनी के पास स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, वहीं पर कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी जर्मनी हमसे तैयार है। यही कारण है कि जर्मनी के चांसलर ने G7 के लिए भी पीएम मोदी को बुलाने की बात कही है एज ए गेस्ट। इससे पहले जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल चीन से अपने संबंध काफी ज्यादा बढ़ाकर चल रही थी, क्योंकि जर्मनी का चीन से ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, जिस वजह से जर्मनी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता था, और यही कारण रहा ओलेफ का सत्ता में आने का। अब जिस तरह से जर्मनी की ओलेफ के दौर में चीन से दूरी बन रही है, ऐसे में जर्मनी को भारत की जरूरत है, और भारत का मार्केट वो एक्सप्लोर करना चाहता है। इसीलिए ग्रीन एनर्जी, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सब कुछ भारत के साथ करने के लिए वो तैयार है। अब शायद आप समझ गए होंगे कितना ह्यूज वेलकम पीएम मोदी का जर्मनी में क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी वहां पर भारतीय कम्युनिटी को संबोधित भी करेंगे। वहीं पर साथ ही ओलेफ और पीएम मोदी वहां पर बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ में एड्रेस करेंगे। भारत का जर्मनी यूक्रेन मुद्दे पर लगातार पक्ष लेता हुआ भी दिखाई दिया है, और इसका कारण यह है कि भारत सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के लिए रूस पर जैसे निर्भर है, तो उसी तरह से जर्मनी भी ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर है। यही कारण है कि जर्मनी भारत की दुविधा को समझता है। पीएम मोदी अभी बर्लिन में है, जहां जर्मन चांसलर से द्विपक्षीय संबंधों पर बात वो करेंगे। इसके बाद मोदी डेनमार्क जाएंगे, वहां पर उनकी मुलाकात डेनमार्क के प्रधानमंत्री से होगी। इसके साथ ही वो दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस समिट में पीएम मोदी के साथ डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी होंगे। काफी सारे लोग नॉर्डिक समिट का महत्व नहीं जानते, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। दरअसल नॉर्डिक समिट में जो ये देश शामिल हो रहे हैं, इनके पास भारी मात्रा में एनर्जी का सोर्स मौजूद है। वहीं पर इनके पास यूरेनियम और अन्य तत्व काफी ज्यादा है। वहीं पर आर्कटिक सी में जो ऑयल का कंट्रोल है, वो भी इन्हीं देशों के पास है। वहीं बताया जाता है कि डेनमार्क के पास तो इतना पैसा होता है कि वो लोगों के खातों में पैसा डाल देते हैं, वहाँ के लोग टैक्स भी नहीं देते। इसका कारण है कि इनके पास खूब रिसोर्सेज मौजूद है। अब भारत एक अल्टरनेटिव यूरेनियम का, एनर्जी का और अपनी टेक्नोलॉजी का एक हब क्रिएट यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा
अच्छा मार्केट है, उनको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अब ऐसे में भारत उन रिसोर्सेज को अपने काबू में कर रहा है, भारत लगातार अपनी रीच को बढ़ा रहा है और यूं ही नहीं चीन से हमारा कंपैरिजन किया जाता है। इस लिहाज से यह नॉर्डिक समिट बेहद ज्यादा जरूरी है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर इस समिट में हिस्सा लेने के बाद वापसी में पीएम मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। ये इस साल का पीएम मोदी का पहला दौरा है, वो भी ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में, लेकिन काफी बड़े बड़े समझौते होते हुए आपको इस दौरे में दिखाई देने वाले हैं। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क तीनों देशों से कोई भी खबर निकल कर आती है, हम आप तक लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, धमाकेदार न्यूज है, खुशी हो रही है देखने में, और खासकर जब वो दिखाया कि अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि जो इनसे पहले थी वो बोल रहे ना कि चाइना के फेवर में थी, इसलिए उनके अगेंस्ट थी। हाँ, और जो अब आए उन, और वो जीते ही इसी वजह से कि उन्होंने कहा था कि मैं चाइना के अगेंस्ट हूं, तो इससे पता चल रहा है पब्लिक क्या चाहती थी। पब्लिक जो है वहां की जनता भी चाइना के खिलाफ थी, और उन्होंने जब देखा कि करंट वाली जो है वो तो उनके चाइना के साथ है और ये जो खिलाफ है, तो उनको इन्होंने चिता दिया। और वहां पे पेरिस फ्रांस में उनके भी इलेक्शंस हुए, वहां भी पब्लिक ने बता दिया कि हमें कौन चाहिए। नहीं तो कितना न्यूज आती थी कि भैया उनकी तो रेटिंग डाउन जा रही है, पब्लिक अगेंस्ट हो रही है, पर जब मैंने सुना यार वो जीत गए, मैंने कहा वाओ अमेजिंग। और मुझे लग रहा मोदी जी खास स्पेशली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जा रहे कि मैं खास आया हूँ कि तुम जीते हो। और ये तो कह रहे हैं भैया इन दोनों में तो वैसी दोस्ती जो है कमाल के यार है, दोस्त हैं मिस्टर मैक्रॉन। जैसे वो मिलते हैं ना, गले मिलके मिस्टर मैक्रॉन से, वो बड़े खुश रहते हैं। तो मेरे ख्याल से मोदी जी स्पेशली इसलिए भी जा रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि आप जीत गए। उनके वहां इलेक्शन बहुत टफ थे, और जो लेडी थी वो बड़ी जबरदस्त जो थी, राइट विंग थी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि मिस्टर मैक्रॉन थोड़े बीच के हैं, तो बीच का बैलेंस्ड पर्सन हमेशा बेस्ट होता है, तो काफी अच्छा है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था, जो जैसे दिखा रहे हैं पूरा कि कैसे, मतलब उनका जैसे वो तो लोगों ने पहले बोला है कि मोदी जी का बहुत अच्छे तरीके से रिसेप्शन होता है, वेलकम हमेशा होता है, तो यहाँ पर भी वैसा हुआ है। परंतु इसमें जो बड़ी बात ये थी कि जर्मनी वाकई चाहता है ट्रेड को इंक्रीज करना, वो एक बात है, और दूसरा वही एंटी चाइना वाली बात। तो अब जो है जैसे कह रहे हैं कि जो जो जर्मन कंपनीज की फैक्ट्रीज थी चाइना में, हो सकता है वो कोशिश करे रिप्लेस करके इंडिया में लेके जाए। मेरा तो वही मेन मुझे लग रहा है, मैं तो यही होप करती हूँ कि हमारा इंडिया मीडिया अब कोई इस तरह से गलत मिस इन्फॉर्म ना कर दे कि जिससे रिलेशनशिप्स चाहे जो है जर्मनी और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। क्योंकि कई बार इतनी नेगेटिव न्यूज को, याद है मैं पिछली बार भी बोल रही थी कि जब मैं जब भी ये वीडियो देखती हूँ, मेरे दिमाग में तो वही न्यूज आती है कि भैया वो तो G7 से इंडिया को निकालने की कह रहे हैं, हम तो बुलाएंगे ही नहीं, वो तो अगेंस्ट हो गए हैं, ये हो गया। मैंने कहा भैया ये क्या हो गया इंडिया के लिए, ये क्योंकि बेटर है कि सबसे अच्छी रिलेशनशिप रखे, बाकी ये हो गया। फिर पता चला ऐसा कुछ नहीं है, जबकि जर्मनी ने खुद बोला कि ये सब जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है ऐसी आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ मीडिया में चलता है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी भी जो मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे और इस टाइप का भड़केलू और उस टाइप की चीजें ना बोले, अनलेस अंटिल यू आर 100-101% श्योर, ताकि दिखे कि हमारी रिस्पॉन्सिबल मीडिया। नहीं, वो वैसे कई लोग होते हैं जो जो न्यूज आती है उसी के बारे में ग्रेट बोलते हैं और दूसरी चीज को बोलते हैं बोगस है, मगर सडनली जब सिचुएशन चेंज होकर दूसरी चीज ग्रेट आती है तो दूसरी चीज को भी ग्रेट बोलते हैं, पहली वाली मैं उस टाइप की देखेंगे। मतलब ऐसा कुछ लोगों में ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऑनर वाली बात नहीं है, पहले एक को ग्रेट बोल दिया, दूसरे की थू थू कर दी, फिर वहां रुख चेंज हो रहा, दूसरे की ग्रेट होगी, दूसरे को ग्रेट कर दिया, पहले वाले को थू थू कर दिया, उनको फर्क नहीं पड़ता, लाइफ चल रही है उनकी। पर हम लोग ऐसे है ना, मेरे तो दिल में बैठ जाती है, मैं क्या करूं, फिर मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो ये देख के इतनी खुशी होती है कि भैया इंडिया की रिलेशनशिप सबसे अच्छे हो रहे हैं और उससे फायदा होगा इंडिया को। तो हमारी मीडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिवली कुछ ना बोले, अनलेसली बाकी कुछ नेगेटिव है, क्योंकि हमारे हमारी कंट्री को हार्म होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। पर दिस वॉज अमेजिंग, और जितनी भी अभी तक वीडियोस देखी हैं वो सब अमेजिंग है, जैसे वो जा रहे हैं, जैसे वेलकम हो रहा है, जैसे वो मिल रहे हैं, और एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव अभी तक। तो दैट इज वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है और मोदी जी सब इम्पोर्टेंट अपने ऑफिशियल्स को लेके गए हैं, तो कुछ धमाकेदार सब कुछ उन्होंने जो है डिसाइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए, तो अमेजिंग था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।